आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र मिश्रिक कस्बे से सटे ज्ञान सागर पुलिया पर बाइक सवार तीन लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, बाकी दो लोग तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। बता दें, बाइक भी छोड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार शिवम पुत्र ज्ञानपाल निवासी रामपुर ग्रांट थाना मिश्रिक अपनी बहन रूपाली को ससुराल उत्तर तोक दतवल सदना से विदा कराकर अपने घर ले जा रहा था। क्या हुआ है, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम सब दतवल से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रामपुर ग्रांट अपने गांव जा रहे थे, सिस्टर को लेकर। अच्छा, कहाँ पर ये लूट की घटना हुई? ये सर, ये जो बिजनापुर है, भद्रा के बीच पुलिया के बीच में हुई थी। क्या क्या सामान गया सर? वो कमर थी सर, हाँ। का हार था सर, वो मंगलसूत्र था, यही सब। अच्छा, और कितने लोग थे? तीन लोग थे सर, बाइक से। काहे से? बाइक से थे सर। बाइक से थे। तो जब उन्होंने लूट की, उसके बाद में आपने क्या किया? सर, मैंने सर, वो सिस्टर गिर गई थी सर नीचे बाइक से, स्कूटी से, तो सिस्टर नीचे गिर गई थी, तो हम सर रुक गए, सिस्टर को देखा सर, उसमें कुछ नहीं था सर उसके। सिस्टर का क्या नाम है? सर रूपाली। वही पीड़ित ने बताया, ज्ञान सागर की पुलिया के पास पहुंचते ही पीछे से तीनों बदमाश एक ही बाइक पर सवार थे। उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी और मेरी बहन को गिरा दिया। मंगलसूत्र, मांगबेदी, कमरबंद, बिछुआ सहित जेवरात लूट लिए। वहीं चिल्लाने पर ग्रामीण उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। एक लुटेरा बाइक सहित पकड़ में आ गया, जिसने अपना नाम मंजेश पुत्र चतबाल निवासी बेनीगंज बताया है। वहीं अन्य दो के नाम डगरू और नितिन बताए हैं। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दे दी है। वहीं कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने बताया, पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।